हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको छबला बताने वाली हूँ जो बनाने में बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये इस कपड़े को मैंने ना चार फोल्ड में बिछा रखा है और ये मैंने बिछा लिया कपड़े को चार फोल्ड में। एंड अब मैं सबसे पहले इसकी लंबाई जो है नाप लूंगी। इसकी लंबाई जो है मैं 14 इंच रखने वाली हूँ। तो ये मैंने 14 इंच पे एक निशान लगा लिया और उसके बाद इसका जो सीना है वो है 5.5 पांच इंच पर रख रही हूँ और आधा इंच जो है सिलाई में आएगा। और इसकी जो गला है, गला वो दो पर लिया है मैंने, दो, और इसकी लंबाई होगी 3। और जो कंधा है वो होगा, कंधा मैं 5 इंच पर ले रही हूँ और आर्म होल जो है वो मैं इसे भी 5 इंच पर ले लेती हूँ। और अब मैं इसको शेप दे देती हूँ गले को और इस कंधे को भी शेप दे देती हूँ। और ये जो कंधे को हम आधा इंच थोड़ा सा नीचे की तरफ उतारते हुए करेंगे ताकि ये कंधा गिरे ना। सो गाइस, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इसका जो मार्किंग है। अब मैं इसको काटने वाली हूँ। तो गाइस, अब मैं इस कपड़े को कट कर लेती हूँ। सो गाइस, ये मैंने कपड़े को अब पूरी तरह से कट कर लिया है। अब इसका जो सामने का जो पल्ला है मैं उसको अलग कर देती हूँ ताकि मैं इसे बीच से काट सकूं। और अब मैंने इसके दोनों भागों को अलग कर लिया है। आप देखिए ऐसे, तो अब ये दोनों अलग हो गए हैं। और अब एक इंच यहां से मैं कॉर्नर से 1 इंच ले लेती हूँ और इसको गोलाई का शेप देते हुए मैं इसको कट कर लूंगी। तो गाइस, मैंने इसको शेप दे दिया है। अब मैं ये वाला हिस्सा कट करने वाली हूँ।
गाइस ये कपड़ा थोड़ा मोटा है इसलिए मेरे को थोड़ी सी काटने में परेशानी हो रही है, तो अब मैंने इसको काट लिया है आप देख सकते हैं। तो अब मैंने कटिंग पूरी कर ली है, अब मैं इसको सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। गाइस अब मैं आपको कंधे जोड़ना बताने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ये कंधे जो हैं रॉन्ग साइड से टर्न कर लिया है और अब मैं इसको आपको जोड़कर दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए मैंने ये कंधे जो है अटैच कर लिए हैं। अब ये मैंने जो कपड़ा काट कर रखा हुआ है ये पाइपिंग का कपड़ा है ये 1.5 इंच का। अब मैं इसको ऐसे पूरे हिस्से में पाइपिंग लगाने वाली हूँ। तो गाइस अब देख सकते हैं मैं इसमें अब पाइपिंग जो है उसको इसमें लगा रही हूँ। मैं इस पूरे कपड़े में पाइपिंग लगाने वाली हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं मैंने इस पूरे हिस्से में पाइपिंग लगा रखी है। तो अब पाइपिंग तो मैंने लगा ली, अब मैं इसको हटा देती हूँ और पीछे के हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ।
तो गाइस देखिए मैंने पीछे के हिस्से को एक सिलाई लगा दी है। और अब मैं इसे सिलाई लगाने वाली हूँ किनारे में। मैं इस पर सिलाई लगाने वाली हूँ। सो गाइज ये है वो कपड़ा पूरा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कैसा दिख रहा है ये। मैंने इसमें पूरी तरह से पाइपिंग लगाया है और उसके बाद मैंने इसको सिलाई कर दी है। और अब मैं इस पे बटन्स लगाने वाली हूँ तो फिर ये और सुंदर दिखेगा। तैयार है और मैंने इसमें ये देखिए बटन्स लगा लिए हैं और ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।